हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 25th ऑफ दिसंबर और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आज का दिन हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ह्यूमैनिटी डे, गुड गवर्नेंस डे, नेशनल यूनिटी डे या फिर पावर्टी एलिविएशन डे। आप सबको कमेंट करके बताना है कि 25th ऑफ दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द गुड फॉर यू एंड गुड फॉर प्लैनेट कैंपेन। आपको बताना है कि ये किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं UNEP, WWF, यूनेस्को या IMF। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये WWF का कैंपेन है और WWF ने इसे लॉन्च किया है टू गाइड पीपल टूवर्ड्स ईटिंग अ प्लानट फ्रेंडली डाइट। और इनका एम है टू एनकरेज पीपल टू बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर फूड चॉइसेस एवरी ईयर। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका मुख्यालय ग्लिंड स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिमिंग जियांग 50 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। जिमिंग जियांग, आपके ऑप्शंस हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, माउंटेन पीक, अनमैन्ड एरियल व्हीकल या COVID-19 वैक्सीन। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे मॉर्निंग स्टार 50 भी कहा जाता है और ये चाइना का फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये ध्यान रखेंगे आप कि ये चाइना का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज मिलान एंड चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक्सरसाइज मिलान से संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ बायएनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंसेप्टेड बाई इंडियन नेवी इन 1995। सेकेंड, द एक्सरसाइज मिलन 2022 वॉज हेल्ड इन द सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम। थर्ड, मिलन 2022 विटनेस्ड द फर्स्ट एवर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द क्वाड नेशन। फोर्थ, मिलन 2022 विटनेस्ड इट्स लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन विद मोर देन 50 कंट्रीज सेंडिंग देयर वॉरशिप्स एंड हाई लेवल डेलीगेशंस। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन डी। ये मिलन 2022 लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन तो रहा है पर इसमें मोर देन 50 कंट्रीज नहीं, मोर देन 40 कंट्रीज ने अपने वॉरशिप्स और डेलीगेशंस भेजे थे। अगर हम पहले संस्करण की बात करें तो एक्सरसाइज मिलन का पहला संस्करण 1995 में हुआ था और तब उस समय इसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। ये हर 2 साल पे अब आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा है धर्मशाला डिक्लेरेशन। आपसे पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सेकंड टूरिज्म, थर्ड कॉम्बैटिंग टेररिज्म, फोर्थ डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये टूरिज्म से रिलेटेड है। अभी हाल ही में 3-डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म हुआ था हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में और वहीं पे ये धर्मशाला डिक्लेरेशन सामने आया। धर्मशाला डिक्लेरेशन एक मैकेनिज्म है टू डेवलप टूरिज्म इन इंडिया। और अगर हम बात करें वर्ल्ड टूरिज्म डे की तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 27th of December को। और 27th of December को ही 2022 में ये डिक्लेरेशन सामने आया जिसका एम है टू रिकॉग्नाइज इंडियाज रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स ग्लोबल टूरिज्म एंड प्रमोटिंग द डोमेस्टिक टूरिज्म। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27th of December के दिन ये डिक्लेरेशन सामने आया है और इसका एम है भारत के टूरिज्म को प्रमोट करना।
बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ गोल्डन क्रिसेंट. आपसे पूछा गया है कि गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश हैं. आपके ऑप्शंस हैं चाइना, अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान. इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसमें चाइना नहीं है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान हैं. अभी हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में कहा था कि ये जो गोल्डन क्रिसेंट या गोल्डन ट्रायंगल होते हैं ये गोल्डन नहीं बल्कि इनका नाम डेथ क्रिसेंट या डेथ ट्रायंगल होना चाहिए क्योंकि इनका जो इलीगल ड्रग्स का ट्रेड होता है इनकी वजह से हमारे बहुत सारे नौजवान इसके शिकार होते हैं. तो उन्होंने अभी हाल ही के अपने भाषण में इसको क्रिटिसाइज किया था. बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस. आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो एशियन पाम ऑयल अलायंस में हैं. आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड जापान. और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि ये ग्रुप है फाइव मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज का जो कि एशिया के हैं. और इनमें वो पांच देश कौन कौन से हैं तो उनमें आ जाएगा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल. तो इसमें चीन और जापान शामिल नहीं है. बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोरम्स इंडिया इज नॉट अ मेंबर. आपसे पूछा गया है कि नीचे जो भी फोरम्स दिए गए हैं इनमें से भारत किसका मेंबर नहीं है. आपके ऑप्शंस हैं IONS जिसको कहते हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, सेकेंड G4, थर्ड G20, फोर्थ SAARC एंड फिफ्थ आशियान. तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन डी. भारत केवल आसियान का मेंबर नहीं है बाकी चारों ही ग्रुप्स का मेंबर है. G4 की बात करें तो G4 में इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान आते हैं जहां ये चारों ही देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इसके अलावा SAARC की बात करें तो उसमें 8 मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका आते हैं. इनका हेडक्वार्टर काठमांडू में है. G20 की बात करें तो इसमें भी भारत शामिल है. G20 19 कंट्रीज प्लस यूरोपीय यूनियन का एक ग्रुप है और इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज भी कहा जाता है. इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुआ 2008 में और ये फोकस करता है टू इंक्रीज मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन. वर्तमान समय में इसमें 25 मेंबर्स हैं और 8 ऑब्जर्वर्स हैं. इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है. तो इन चारों ग्रुप में ही भारत रहा है और भारत जिसमें नहीं रहा है वो है आसियान. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.